फ्यूचर फेस्ट जो है इट्स द लार्जेस्ट टेक कॉन्फ्रेंस एंड इनोवेशन एक्सपो प्रेजेंट इन पाकिस्तान एट द मोमेंट. हमारे एज यू कैन सी वी हैव ऑलमोस्ट 100 स्टॉल्स जिनमें से हमारे पास एक सऊदी पेविलियन है पूरा जिसके वी आर हैविंग 30 सऊदी कंपनीज एंड वी हैव इंटरनेशनल कंपनीज एज वेल एज नेशनल कंपनीज. जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ओवरसीज में उनको हम लाइमलाइट में लेके आते हैं. इट्स वेरी एजुकेशनल, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, पीपल हु आर लुकिंग फॉर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज. क्लिक करेंगे अकाउंट खोलने के लिए, सबसे पहले हम बंदे की लाइवनेस चेक करते हैं कि बंदा जिंदा भी है कि नहीं. उसके बाद फिर हम उसको कहते हैं कि यार अपना आईडी डॉक्यूमेंट जो है ना वो प्रेजेंट करो. तो हम आईडी डॉक्यूमेंट को एआई के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हम इसकी ओरिजिनलिटी चेक करते हैं, इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद हैं तो हम ओरिजिनलिटी चेक कर लेते हैं, ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है. थर्ड स्टेप में हम फिर ये वेरीफाई करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इस बंदे का है कि नहीं, तो उसके हम फेस मैचिंग करते हैं. उसके अलावा आपकी फिंगरप्रिंट भी कैमरे के साथ ही नॉर्मल, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं चाहिए, तो हम फिंगरप्रिंट को भी स्कैन करते हैं और उसको नादरा से फिर क्रॉस वेरीफाई करवाते हैं. तो इन चीज़ों का पहले मुझे नहीं पता था, इस आज के प्रोग्राम में आने के बाद मुझे पता चला कि इस तरह की कंपनीज भी एग्जिस्ट करती हैं और स्टूडेंट्स कैसे उन कंपनीज से जो है वो इस्तफादा हासिल कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीएनएन डिजिटल में आपको खुश आमदीद, मुझे कहते हैं नताशा रहमान. आज मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में और यहाँ पर फ्यूचर फेस्ट 2023 का इनेकाद किया गया है और इजाद लैब की जानिब से ये सारा इवेंट करवाया जा रहा है. 3 दिन का ये इवेंट होगा और इसमें टेक्नोलॉजी से तमाम जो स्टॉल्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो स्टॉल्स लगाए गए हैं और 100 से ज़ायद यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं. अभी हम लोगों से भी बात करेंगे और मुख्तलिफ़ जो स्टॉल्स के सीईओ हैं उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि मेन मकसद इस इवेंट का क्या है, इस फेस्टिवल के करवाने का मकसद क्या है. तो अभी लोगों की तरफ चलते हैं और आपको भी स्टॉल्स की जानिब लेकर चलते हैं और दिखाते हैं किस किस कंपनी का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है. नाज़रीन फ्यूचर फेस्ट 2023 के पार्टनरशिप हेड हमारे साथ अब्दुल वासी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं सारे इवेंट के बारे में कि कितने स्टॉल्स लगाए गए हैं और मेन पर्पज़ क्या है इसका. वासी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, हमें बताइएगा मेन पर्पज़ क्या है और कितने स्टॉल्स लगाए गए हैं यहाँ पर. अच्छा, तो बेसिकली फ्यूचर फेस्ट जो है इट्स द लार्जेस्ट टेक कॉन्फ्रेंस एंड इनोवेशन एक्सपो प्रेजेंट इन पाकिस्तान एट द मोमेंट. हमारे एज यू कैन सी वी हैव ऑलमोस्ट 100 स्टॉल्स जिनमें से हमारे पास एक सऊदी पेविलियन है पूरा जिसके वी आर हैविंग 30 सऊदी कंपनीज एंड वी हैव इंटरनेशनल कंपनीज एज वेल एज नेशनल कंपनीज. तो ओवरऑल इसका जो जस्ट है इट्स अबाउट अनलिमिटेड नेटवर्किंग फॉर द पीपल एंड आपको एक्सेस मिलता है उन लोगों की तरफ जिनकी तरफ वैसे आपका रुझान नहीं होता. तो और हमें ये भी बताइएगा सीईओज तो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होंगे तो यहाँ पर ये क्या सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने स्टॉल्स लगाए हैं, किस किस चीज़ के स्टॉल्स लगे हुए हैं ये थोड़ा सा बता दें. अच्छा, तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टॉल्स इस तरह नहीं है कि इट्स जस्ट रिगार्डिंग टेक स्टॉल्स. इसके अलावा हमने टेक्नोलॉजी की बात की है 10 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस तरह टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों ने अपने प्रोसेसेस को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया है. जो नए काम करने वाले हैं उनको भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, उनको बताया जा सकता है कि हम इस तरह से अपना स्टार्ट लेते हैं काम का, स्टार्टअप जो करते हैं हम एक काम का. बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पे काफ़ी मेंटर्स है जिसकी वजह से हमारी आप देख सकते हैं मास्टर क्लासेस भी हो रही हैं जिसके लिए मेंटर्स आके सेशंस दे रहे हैं ऑन डिफरेंट थिंग्स. फिर हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ बच्चों के लिए पैनल टॉक्स हो रही हैं, देयर आर डजन ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग. तो पैनल टॉक्स में कौन कौन मौजूद होगा और क्या उसको लीड कौन करेगा? पैनल टॉक्स के ना हमारे पास डिफरेंट क्यूरेटर्स हैं दैट आर वेरी फेमस और उसके अलावा भी हम लोगों को पैनल टॉक्स के अंदर काफ़ी लोग अवेलेबल है जो आके आपको जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं ऑफ डिफरेंट थिंग्स रिगार्डिंग एनर्जी हो, ऑटोमोबाइल हो, एडटेक हो, एग्रीटेक हो, हर किसी के अंदर वो लोग. अच्छा, पाकिस्तान से रिलेटेड भी जितने टेक्नोलॉजी के जो कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी स्टॉल्स लगाए हुए हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तानी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, हर तरह की कंपनीज यहाँ पे अवेलेबल है. यहाँ पे पाकिस्तानी, सऊदी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, एवरीवन्स है. मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल जो लोग हैं, जो कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेशनल सारी कंपनीज. कोई भी इस इवेंट पे आ सकता है यहाँ पर इस फेस्ट पर? हाँ जी बिल्कुल, विजिटर पासेस यहाँ पे अवेलेबल है जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, यू कैन गेट एक्सेस टू द एंटायर कॉन्फ्रेंस. नाज़रीन अभी हम सीईओ क्लब पाकिस्तान के स्टॉल पर मौजूद हैं, डायरेक्टर इस कंपनी के हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या मेन पर्पस है इस इवेंट के हवाले से और लोगों को कैसे गाइड किया जा रहा है. सर बहुत शुक्रिया, हमें बताइएगा कैसे लोगों को गाइड कर रहे हैं और फिर सीईओ क्लब पाकिस्तान कंपनी कितने यहाँ पर सीईओ आपके साथ अटैच हैं और अभी तक क्या सारा कंपनी का काम क्या है एक्चुअली? जी एक्चुअली सीईओ क्लब पाकिस्तान जो है ये एक कॉज के लिए काम कर रही है. वी आर गोइंग टू ब्रिंग लाइमलाइट द सक्सेस स्टोरी ऑफ द पीपल, द सीईओस और कंपनीज की. और ये पिछले 10-12 साल से हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं. सो फार वी हैव डन ऑलमोस्ट
मोर देन 1000 CEOs ऑफ पाकिस्तान, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बट फ्रॉम अब्रॉड एज वेल. हमारे पास अमेरिका, UK, कनाडा, सऊदी अरेबिया से CEOs भी हैं. हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ओवरसीज़ में, उनको हम लाइमलाइट में लेके आते हैं. उनकी सक्सेस स्टोरीज, बल्कि ये इसको मैं कहूँगा केस स्टडीज़ हैं, और ये केस स्टडीज हम शेयर करते हैं अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हमें ये बताइएगा आज यहाँ पर स्टॉल लगाने का क्या मेन पर्पस है, लोगों को अवेयरनेस देना है क्या? जी, चूंकि ये फ्यूचर फेस्ट हो रहा था, एंड आई मे टेल यू कि हम फ्यूचर फेस्ट के को पार्टनर्स हैं, और CEO क्लब ने बहुत एक अच्छा वाइटल रोल प्ले किया है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑडियंस ओवर हियर, इन ऑर्डर टू एंगेज नंबर ऑफ CEOs फ्रॉम पाकिस्तान. थैंक यू सो मच. अभी आपने गुफ्तगू सुन ली है इनकी, अभी कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको इस फेस्टिवल में कैसा लग रहा है और क्या कुछ सीखने को मिल रहा है. हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बल्कि एक प्यारी सी लड़की मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं इस फेस्टिवल में इनको क्या कुछ सीखने को मिल रहा है. अस्सलाम वालेकुम. हमें बताइएगा क्या कुछ सीखने को मिल रहा है और कितना इन्फॉर्मेटिव ये सारी चीज़ें हैं आपको. ओके, सो बेसिकली आई एम इन यूनिवर्सिटी राइट नाउ एंड आई केम हेयर फॉर एन एजुकेशनल पर्पज़. तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पर डिफरेंट कंपनीज आई हुई हैं सऊदी अरेबिया से, इधर उधर से, जो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक रिलेटेड हैं. तो मैं वहाँ पर गई थी और मुझे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का पता चला कि मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ अगर मुझे कुछ प्रोग्रामिंग इस तरह की चीज़ें आती हों, मतलब डेवलपमेंट वेबसाइट वगैरह वाले इस तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम. और उसके अलावा द एनवायरमेंट इज़ वेरी नाइस, कुछ मास्टर क्लासेस भी हो रही हैं, इट्स वेरी एजुकेशनल, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, पीपल हु आर लुकिंग फॉर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और साइड अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बहुत अच्छा है. तो ओवरऑल इट्स वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव. नाजरीन, अभी हम स्ट्रॉल के CEO के साथ मौजूद हैं और इनका जो स्ट्रॉल का नाम है, कंपनी का जो नाम है, वो TrueID के नाम से है. तो इन्हीं से जानते हैं और पूछते हैं कि क्या सारा प्रोसेस है, क्या सीन है इनका और TrueID एक्चुअल है क्या. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. हमें बताइएगा ये क्या सारा है TrueID, क्या कोई आप IDs बना के देते हैं या कोई सॉफ्टवेयर है, क्या है, क्या थोड़ा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो हमें थोड़ा गाइड करें. बिल्कुल, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो TrueID है उसके थ्री आप बंदे को ना रिमोटली वेरीफाई कर सकते हैं. लेट्स अगर आपने अभी अकाउंट खुलवाना हो तो आपको बैंक जाना पड़ता है और आपके हमें बैंक जाना पड़ता है. बिल्कुल, और आपको ना अपना ID डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, आपकी फ़ोटो लेते हैं, आपकी फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक वगैरह होती है, तो आपको पता है कि इतने तो पूरा टाइम आपका वेस्ट होता है. तो इसी वजह से मैं भी नाजरीन बैंक नहीं जा रही हूँ. तो हम इनको कहते हैं कि हमें कोई आसान तरीका बताएं ताकि हम भी बैंक जाए बगैर ही अपना अकाउंट खुलवा लें. बिल्कुल, तो हम करते ये हैं कि हम बैंक की जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करेंगे और उसके ऊपर हम अपना एक बटन जो है ना वो ड्रॉप कर देते हैं, और उसके बाद ना पूरा फ्लो हमारा चलता है जिसमें हम बंदे को रिमोटली वेरीफाई करते हैं. हम सबसे पहले चेक करते हैं कि यार कैमरे के सामने जो पीछे स्क्रीन पे भी चल रहा है, आप हमें साथ साथ हम आपको नाजरीन दिखाते भी हैं, हमें दिखाइएगा प्लीज. तो अभी आप देखेंगे कि HBL के लिए हमने ये वो किया हुआ, HBL हमारा जो है ना वो कस्टमर है. तो अगर जब आप वो क्लिक करेंगे अकाउंट खोलने के लिए, सबसे पहले हम बंदे की लाइवनेस चेक करते हैं कि बंदा जिंदा भी है कि नहीं. उसके बाद फिर हम उसको कहते हैं कि यार अपना ID डॉक्यूमेंट जो है ना वो प्रेजेंट करो. तो हम ID डॉक्यूमेंट को AI के थ्रू हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हम इसकी ओरिजिनलिटी चेक करते हैं, इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद हैं, तो हम ओरिजिनलिटी चेक कर लेते हैं ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है. थर्ड स्टेप में हम फिर ये वेरीफाई करते हैं कि डॉक्यूमेंट इस बंदे का है कि नहीं, तो उसकी हम फेस मैचिंग करते हैं. उसके अलावा आपकी फिंगरप्रिंट भी कैमरे के साथ ही नॉर्मल, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं चाहिए, तो हम फिंगरप्रिंट को भी स्कैन करते हैं और उसको नादरा से फिर क्रॉस वेरीफाई करवाते हैं. तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटेड तरीके से, आपने देखा होगा कि 30 सेकंड के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें जो, और ये जो हमारी टीम है ये यहाँ पे सारे, इन लोगों ने बेसिकली ये टेक्नोलॉजी, अमेजिंग टेक्नोलॉजी जो है ना वो डेवलप की है. Okay, ये सारे यंगस्टर्स ही हैं. बिल्कुल, इनमें से कुछ लोग R&D में हैं जिन्होंने AI के ऊपर काम किया हुआ है, कुछ लोग प्रोडक्ट साइड के ऊपर है जिन्होंने ये सारी चीज़ें बिल्ड की हैं. तो आप हमें बताइएगा कितनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी इस सारी ऐप को बनाते हुए और कितने टाइम में ये बन गई थी? ऑफ कोर्स आपको पता है एक चीज़, जब आप स्टार्ट से शुरू करते हैं तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम्स तो आती हैं. अब इसके अंदर टेक्नोलॉजी एंड पे थी, बिजनेस एंड पे थी, लेकिन ये कि हमारी तकरीबन 2.5 ईयर्स की R&D है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब हमें उसका कुछ फ्रूट नज़र आ रहा है. फ्रूट नज़र आ रहा है और बहुत अच्छा फ्रूट नज़र आ रहा है. HBL अब आपका कस्टमर है. तो ये सारा प्रोसेस है अपना अकाउंट खोलने के लिए, बैंक अकाउंट, और बहुत आसान तरीका है. कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं. हमारे साथ रहे, हमारे साथ विजिटर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. सर, इस सारे इवेंट के बारे में क्या कहेंगे, कितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, क्या कहना चाहेंगे?
मैम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप ये पूछ रही हैं, सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं। और यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है फ्यूचर फेस्ट इजाद लैब की जानिब से, और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो आए हुए हैं, और उनके लिए बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह भी लगे हैं, और उन स्टॉल से वो इन्फॉर्मेशन भी गेट कर रहे हैं। आपने क्या सीखा है यहाँ से? इस सर से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ यहाँ पे आई हुई हैं जिनका पहले मुझे पता नहीं था, जैसे क्लाउड सॉल्यूशंस की कंपनीज़ हैं, उसके बाद आगे वेयर हाउसेस की कंपनी है, फिर उसके बाद डीजी लाइट्स की एक कंपनी है, तो इन चीज़ों का पहले मुझे नहीं पता था। इस आज के प्रोग्राम में आने के बाद मुझे पता चला कि इस तरह की कंपनीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, और स्टूडेंट्स कैसे उन कंपनीज़ से जो है वो इस्तफादा हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, और अगर मैंने कुछ सीखा है तो बहुत सारे लोगों ने भी यहाँ से अपनी अपनी जो है वो चाहत के मुताबिक चीज़ें सीखी। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। लोग जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर मिल रही हैं, लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आज चूंकि इस फेस्टिवल का पहला रोज़ था, 3 दिन ये फेस्टिवल जारी रहने वाला है, हमें इजाज़त दें, हम आपको दोबारा से एक नई स्टोरी के साथ, एक नई चीज़ के साथ दिखाएँगे, वीडियोज़ भी और प्रोग्राम्स भी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।